व्हाट्सअप का एक ऐसा ट्रिक, अगर आप अपना व्हाट्सअप में यह ट्रिक अप्लाई करते हो तो आपका व्हाट्सअप का लुक जो है वो एकदम बदल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दोस्तों अगर मेरे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का ऑन कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने का मतलब है अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों मुझे आपने अगर अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले जाए इंस्टाग्राम में और मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को व्हाट्सएप के एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप शायद नहीं जानते हैं। दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप के ये ट्रिक पहले से ही पता है तो इस वीडियो को स्टॉप करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपना व्हाट्सएप के चैट स्क्रीन में अपना इमेज कैसे लगा सकते हैं। सो गाइस आज किस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर देखें, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की ये व्हाट्सएप ट्रिक का पूरा प्रोसेस मैं मोबाइल के स्क्रीन में बताऊंगा, तो बिना बतवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल के स्क्रीन में जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना बतवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको किसी भी फ्रेंड्स के चैट में जाना है। तो गाइस सिंपली देख सकते हैं आप लोग, जाने के बाद गाइस यहाँ 3 डॉट देख सकते हैं आप लोग। 3 डॉट ऊपर में जो है वीडियो कॉल, कॉल और 3 डॉट जो है वहाँ सिंपली आपको टैप कर लेना है गाइस। और टैप करने के बाद गाइस यहाँ देख सकते हैं यहाँ बहुत कुछ ऑप्शन वगैरह है गाइस। तो सिंपली यहाँ देख सकते हैं वॉलपेपर लिखा हुआ है, वॉलपेपर में टैप कर देना है। वॉलपेपर में टैप करने के बाद यहाँ ऑप्शन 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे गाइज। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, गैलरी लिखा हुआ है, सॉलिड कलर लिखा हुआ है, वॉलपेपर है, डिफॉल्ट है, नो वॉलपेपर है। तो सिंपली आपको गैलरी में टैप कर लेना है। और गैलरी में टैप करने के बाद गाइज देख सकते हैं आपको अपना फोटो, आपको अपना इमेज सिलेक्ट करना है गाइज। तो देख सकते हैं आप लोग मैं कोई भी पिक ले रहे हैं गाइज। कोई भी इमेज लेने के बाद आपको यहाँ ड्रैग टू एडजस्ट कर लेना है गाइज, ड्रैग करके आपको एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम एडजस्ट करके यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कैंसिल एंड सेट। तो सेट पे टैप करने के बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ आपका सेट हो जाएगा। तो गाइज बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो स्क्रीन में एक सर्किल दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।